वेलकम टू माई चैनल मैजिकल क्रिएशंस बाय मंजूश्री। आज हम लोग ट्राइबल मास्क बनाएंगे एक पुरानी ओल्ड बॉटल से। क्या करेंगे, इस बॉटल को हम लोग पहले कट करना है। हमें यहाँ से हम इस जगह से इसको कट करेंगे। थोड़ा सा कट लगा लिया यहाँ पर और थोड़ा सा कट हम यहाँ लगा लेंगे। उसके बाद इसको हम कैंची से काट देंगे। जो बच्चे देख रहे हो प्लीज अपनी मम्मी की हेल्प लें, अकेले सारा काम ना करें, नहीं तो हाथ वगैरह कट सकता है। इसके एजेस बहुत शार्प होते हैं। इस हिस्से को हम फेंकेंगे नहीं, ये हम बाद में यूज करेंगे। इसी तरह हम ये नीचे का भी निकाल रहे हैं। ये भी हम निकाल रहे हैं, ये भी हम बाद में यूज कर सकते हैं। इसका यूज मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अब देखिए, जब आप ध्यान से बॉटल को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक लाइन होती है। इसमें हम उस लाइन से इसको कट कर लेंगे ऐसे, और इसी तरह एक लाइन देखिए इधर भी होती है, तो हम इसको भी कट कर लेंगे ऐसे। ये हमारे पास दो मास्क निकल कर आ गए हैं, दो हैं। अब इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए हम इसको हाफ पे ये मोड़ेंगे, टर्न करेंगे ऐसे, और थोड़ा सा ये देखिए, और इसी तरह हम नीचे से भी इसको ये ऐसे मोड़ेंगे, और इसी तरह हम दूसरा भी मास्क रेडी कर लेंगे। हम इस तरह से अपने दोनों मास्क को रेडी कर लेंगे, क्योंकि हम पेयर में बनाएंगे इसको। डेकोरेशन के लिए हम लोग घर में भी लगाते हैं, देखा होगा आपने, आजकल बहुत सारे घरों में इस तरह के लगा रहते हैं ये। और इसमें कोई हमारा ज्यादा खर्चा भी नहीं आ रहा है बनाने का। ये देखिए, अब इसके ऊपर हमको क्या चाहिए, ये देखिए खूब अच्छा बन गया ये। अब इसके बाद हम इसमें इसके नाप का हम ये न्यूज़पेपर कट कर लेंगे। इसके नाप का हम न्यूज़पेपर एक कट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, हम इसके नाप का एक न्यूज़पेपर कट कर लेंगे, और ये निशान लगा लिया हमने। इस तरह के हम बहुत सारे पेजेस काटेंगे, इस तरह के हम बहुत सारे पेजेस काटेंगे ये। हम छोटे छोटे टुकड़े भी काट के लगा सकते हैं, और कम से कम 10-12 पेजेस हम लगा करके इसको ये देखिए। अब यहाँ पर हम लगाएंगे फेविकॉल, ये जो है हमारा, इसके ऊपर हम लगाएंगे फेविकॉल, पर फेविकॉल लगाएंगे इस तरीके से पूरे में। ये और ये हम इसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे पूरे में अच्छी तरीके से। जब हमारे ये इस तरह से जो पेपर है, ये हम कम से कम 15 पेपर इसके ऊपर एक के ऊपर एक चिपका लेंगे, और इसको आज हम सूखने के लिए रख देंगे। बाकी काम अब हम लोग अगले दिन कल करेंगे। आज हम लोग इसे सूखने के लिए ऐसे कम से कम 10 पेपर्स एक के ऊपर एक रखेंगे और लगा देंगे। जैसे अभी हम काट के दिखा दे रहे हैं आपको, ये हमने काटा है, और ये देखिए हमारे 10 पेपर्स कट गए।
ये हम वन बाय वन फेविकॉल लगाते जाएंगे और ये लगाते जाएंगे और इसको चिपका कर सुखाने के लिए हम आराम से रख देंगे। ऐसे ये 10 पेपर्स लग गए, अब हम इसको सुखाने के लिए ऐसे रख देंगे। ये हम लोगों ने बनाया था कल, ये ड्राई हो गया अच्छे से। मैंने व्हाइट इसलिए कागज चिपकाया है कि इसमें जो मैं ड्रॉ करूंगी आप लोगों को वो क्लियरली दिखाई दे जाए। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको बना रही हूँ। बॉय का फेस है ट्राइबल के, ये गर्ल का, अब इसके बाद ये दोनों मैंने ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद में हम एमसील या शिल्पकार हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा हम पाउडर लेंगे और इसको यहाँ डाल देंगे टेबल पे। उसके बाद हम इसके अंदर दो ये होते हैं, दो चीजें होती हैं, खोलेंगे हम इसको, थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। यदि हमने एक साथ निकाल लिया ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो हम थोड़ा थोड़ा निकालेंगे इसको। यदि हमने इतना ब्लैक लिया है तो इतना ही हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे और इतना ही हम वाइट लेंगे, वाइट। नाप लेंगे उतना ही लेंगे और इसको भी बंद। इसके बाद अपने हाथ में पाउडर लगाएंगे, दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखो अभी दोनों के कलर अलग अलग दिख रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर बाद दोनों के कलर एक से हो जाएंगे। थोड़ा सा लिया और फिर उसको ऐसे रोल कर लिया। पतला पतला रोल किया। फिर फेविकॉल लिया, फेविकॉल लिया और फेविकॉल को हमने यहाँ लगा दिया। फिर इसको ये सेट लगा दिया और काट कट कर दिया, एक्स्ट्रा हिस्सा कट कर दिया। फिर दूसरी लाइन पे हमने फेविकॉल डाला और हमने इसको लगा दिया। कोई बात नहीं, यदि ये छोटा हो जाता है हमारा तो हमारे पास और है ना, हम उसको जॉइन कर। फिर हमने थर्ड लाइन में भी ऐसे ही किया और हमने ये इस मटेरियल को हम जल्दी जल्दी यूज करेंगे या एक पॉलीथीन में करके रख देते हैं, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, फिर हम इससे कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।
से इसको फिर हमने खोल लिया। ये हमारा फेस कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कलरिंग करेंगे। हमने इसे पूरा ब्लैक पेंट कर लिया। अब इसमें हम और कलर्स यूज करेंगे जिससे ये और ब्यूटीफुल हो जाए। रेड कलर यूज करेंगे, ठीक है। रेड कलर लगाने के लिए सबसे पहले देखो, जो हमारे लिप्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं।